गाइस, सने के फूल की खस्ता कचौरी जो एक बार खाएंगे ना पेट भर जाएगा, लेकिन जी नहीं भरेगा और आप खाते रहेंगे। चलिए हम आपसे शेयर करते हैं एकदम आसान रेसिपी। दोस्तों, इसे हम लोग सनई के सन के फूल कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके चोखा चटनी दोनों ही, चाहे सब्जी बनाइए, मैं आज इसकी कचौड़ी बनाऊंगी। आइए देखते हैं क्या है। ये है सरसों, ये है लहसुन और ये काली मिर्च और कुछ हरी मिर्च। इन सबको पीस कर हम एक पेस्ट तैयार करते हैं। मैंने जो पेस्ट पीसा है वो कैसा लग रहा है? ये बहुत ही सुंदर सा पेस्ट तैयार हुआ है और मैंने इसे यहाँ ढाल भी दिया है। इसे अब मिक्स करना होगा। आप इसे मिक्स करेंगे पहले से ही, फिर आपको बाद में कढ़ाई में मिलानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे मसाला को लपेट दिया है इस फूलों में। मैंने इसे हल्का तेल डालकर भून लिए हैं और जब नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। जब भून जाएंगे, गल जाएंगे, तब मैं इसे फील कर दूंगी आटा में और इसकी कचौड़ी छानूंगी। फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं गेहूं का आटा और इसमें हम नमक, हल्दी, थोड़ा सा सरसों तेल का मोयन डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए इसे अच्छी तरीके से हम एक दूसरे से एकदम मल मल के ये कर देंगे। इसे तो वो समय आ गया जब इससे हम लोग बनाएंगे गर्मा गर्म कचौड़ी। देखिए ये आटा भी तैयार है। इसे मैंने सख्त गूंधा है, ना सख्त ना नरम। अब मैं बनाऊंगी और इस थाली में रखूंगी। छोटे छोटे मैंने लोइया काट लिए हैं। एक सुंदर सा पेड़ा जैसा हमने बना लिया है और इसे ही हम बना देंगे। देखिए दोस्तों, मैं इतना सुंदर ये बना दे रही हूँ। ये कितना अच्छा गड्ढा जैसे बन गया है। इसे लेकर हम इसमें फील कर देंगे दोस्तों और ये इस तरह से बहुत ही सुंदर बन जाएगा। तो इस तरह से इसे हम भर भर के सुंदर सुंदर बना लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़ा कचौड़ी फूली फूली। जैसे ये सुनहरी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सरसों के तेल में बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरे पास घी भी थे दोस्तों, लेकिन मैंने बस इसमें ही बनाया है।